हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई है मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली एंड दोस्तों सबको। तो यहाँ पे हम और मेरी सिस्टर छोटी वाली दोनों शाम को आ गए थे मार्केट, क्योंकि हम लोगों को लेना था प्रसाद। तो शाम को ही आए थे, शाम को ही पूजा होता है कृष्ण भगवान जी का। तो जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मेरा फास्टिंग नहीं है, बट मेरी छोटी सिस्टर का फास्ट है, इस वजह से हम लोग आ गए थे प्रसाद लेने के लिए। तो चलिए आप लोग मेरे ब्लॉग में आगे कंटिन्यू बने रहिए एंड देखते रहिए, और प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड हम लोग कैसे जन्माष्टमी मनाए हैं सारा कुछ मैंने ब्लॉग में शेयर किया है, तो आप लोग मेरे ब्लॉग को इन तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं ले रही थी फ्रूट्स एंड मतलब सब में से हम थोड़ा थोड़ा फल ले लिए थे, एंड फल लेके फिर आ गए थे हम लोग दुकान पे, पूजा के दुकान पे, जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग देखिए कृष्ण भगवान जी का कितना प्यारा प्यारा झूला पालना लगा हुआ है, एंड देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। फिर सारा कुछ सामान लेके गाइस मैं आ गई थी घर पे, एंड घर पे आके यहाँ पे फिर नहा के मैं बना रही थी प्रसाद, और प्रसाद में मैं बना रही थी सिंघाड़ा का जो आटा होता है ना उसका हलवा, ये भी मतलब भगवान जी का प्रिय भोग में आता है, तो वही मैं यहाँ पे बना रही थी एंड फर्स्ट टाइम बना रही थी। और मुझे बहुत खुशी हुआ कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और वो भी प्रसाद के रूप में, तो यहाँ पर मैं बना रही थी। एंड फाइनली यहाँ पर हम हो गए रेडी, एंड और कैसे कैसे पूजा की जाके कि आपको सारे मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग को यहाँ तक जरूर देखिएगा, एंड कैसा लगेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी के फिर से आगे, एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, एंड कैसे इसमें जरूर बोलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को, एंड देखिए आप लोग। सो गाइस, तो मैं प्रसाद बना के रेडी होके तुरंत आ गई थी, एंड जल्दी जल्दी में मैंने इंट्रो शूट किया था। उस टाइम रात के 11:30 हो रहे थे, इसलिए मेरा आवाज़ बहुत धीरे था। अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे समझ में आया। तो ये है मेरा फाइनल लुक, एंड कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड यहाँ पे फिर मैं रेडी कर रही थी सब पूजा का तैयारी का, और मेरी छोटी सिस्टर का फास्ट है तो वो अकेले सब कुछ नहीं कर पाती, इसीलिए मैं उसका हेल्प करा रही हूँ पूजा में। एंड मेरा फास्टिंग नहीं है गाइस, बट हाँ मैं सारा पूजा में अपनी बहन के साथ उसका हेल्प करवाई। एंड यहाँ पे सारा मैं प्लेट्स निकाल रही थी भोग लगाने के लिए भगवान जी को। तो चलिए आप लोग मेरे ब्लॉग में आगे कंटिन्यू बने रहिए एंड देखते रहिए, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो ब्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो ब्लॉग अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। तो चलिए हम पूजा कर लेते हैं, एंड कैसे कैसे क्या क्या करते हैं आप लोग को सारा ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग को इन तक ज़रूर देखिएगा।
सो गाइस, तो यहाँ पे देखिए मेरी बहन ने कान्हा जी को भोग लगा दिया। एंड कान्हा जी को जब भी भोग लगाते हैं गाइस, तुलसी पत्ता ज़रूर डालते हैं हर एक प्लेट में, जितने भी यहाँ प्लेट से सब में तुलसी पत्ता डाला हुआ है। एंड मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ गाइस, पहली बार इस बार हम लोग 56 भोग लगाए, नहीं तो कभी भी इससे पहले हम लोग कान्हा जी को 56 भोग नहीं लगाए हैं। मतलब हमेशा हम पंजीरी और आटे, मतलब सिंघाड़े का जो आटा का हलवा होता है वो, और फ्रूट्स, कुछ मिठाइयाँ, मावा, मिश्री, यही चढ़ाते थे। बट ये सब के साथ साथ इस बार हम लोग देखिए कान्हा जी को 56 भोग लगाए। एंड मुझे बहुत बहुत खुशी हुआ, पर्सनली मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और यहाँ पे फिर मेरी बहन ने भोग वगैरह लगा लिया, तो फिर उसके बाद मैंने किताब पढ़ा, कथा सुनाया, फिर उसके बाद यहाँ पे हम कर रहे आरती। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में आगे कंटिन्यू बने रहिए एंड इन तक ज़रूर देखिएगा गाइस। सो गाइस, तो यहाँ पे हमारा पूजा हो गया कंप्लीट एंड अभी हम लोग को मंदिर भी जाना है गाइस। तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग को इन तक ज़रूर देखिएगा। एंड मैं एक बात और बता दूँ, यहाँ पे हम लोग भोग लगाए थे तो सारे प्लेट्स जो हमारे पूजा के टेबल हैं उस पे नहीं आ रहे थे, इस वजह से हम लोग कुछ कपड़ा नीचे डाल के एंड फिर वहाँ नीचे भोग लगा दिए कान्हा जी का। और कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सॉरी, कैसा लग रहा है एंड हम कैसे लग रहे हैं वो भी बताइएगा। और आप लोग जन्माष्टमी कब मना रहे हैं तो मैं पूछना ही भूल गई, हम लोग मनाए थे 6 तारीख को। एंड आप लोग कब मना रहे हैं आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। और फाइनली हमारा पूजा हो गया कम्प्लीट एंड कैसे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही है इनसे। 11:30 हो गए और हमारा पूजा हो गया है कम्प्लीट। सो गाइस, तो अभी हम पूजा करके आ गए हैं एंड पूजा हो गया हम लोग का कम्प्लीट। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अभी हम जाएंगे मंदिर, और मंदिर में भी मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, इस वजह से अब मैं कभी देखती नहीं, फर्स्ट टाइम जाऊँगी। तो चलिए, आप लोग भी मेरे ब्लॉग में अभी कंटिन्यू करेंगे एंड देखते रहेगा। देखते हैं अगर ये ब्लॉग में अगर हम शेयर कर पाएंगे, जिस ब्लॉग में शेयर करेंगे मंदिर वाला ब्लॉग, अगर नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट ब्लॉग जरूर लेके आएंगे। वैसे चलिए, तो चलिए। सो गाइस, तो ये है आज का मेरा फाइनल लुक एंड कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड मैं हमेशा भूल जाती हूँ आप लोग के साथ शेयर करना अपना लुक, खैर कोई नहीं, लास्ट में ही शेयर किया। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, फेस तो बहुत ज़्यादा मैसी हो चुका है, बट क्योंकि पूजा वगैरह कंप्लीट करके फिर मैं अपना लुक ये शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।